नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके, यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। आज ओलंपिक गेम्स से अच्छी खबर आई है, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दोस्तों इसी के साथ पीवी सिंधु ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। दो ओलंपिक मेडल्स जीतने वाली भारत की ये पहली महिला एथलीट है या पहली महिला स्पोर्ट पर्सन है, ऐसा करने वाली ये फर्स्ट इंडियन वुमन है। राइट, ये यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हो, आज जो मैच हुआ था इस मैच को इन्होंने जीत कर अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल कर लिया है। तो दोस्तों ओलंपिक से पीवी सिंधु से काफ़ी उम्मीद थी देश को और ये अपनी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरी उतरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम पर एक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है, ऐसा रिकॉर्ड कि इनके नाम अब दो ओलंपिक मेडल्स हैं। रियो में जो ओलंपिक हुए थे, इस ओलंपिक में दोस्तों पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, और अभी टोक्यो में जो ओलंपिक हो रहा है इस ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बैक टू बैक दोस्तों दो ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और दोनों ही ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है, ऐसा करने वाली ये भारत की दूसरी भारतीय है। हम यहाँ पे दूसरी भारतीय है इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बिकॉज इनके पहले एक और एथलीट है जिनका नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार ऐसा कर चुके हैं। सुशील कुमार ने दोस्तों रेसलिंग में मेडल्स जीते थे 2008 में जो ओलंपिक हुए थे, इस ओलंपिक में सुशील कुमार ने मेडल जीता था, और उसके बाद 2012 में जो ओलंपिक हुआ था इस ओलंपिक में भी सुशील कुमार ने मेडल जीता था। तो देखा जाए तो सुशील कुमार के बाद ये दूसरी भारतीय है और दोस्तों फर्स्ट इंडियन वुमन है। बट टेक्निकली अगर कहा जाए तो सुशील कुमार के पहले भी बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिलने के पहले एक एथलीट ने दो सिल्वर मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में, और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उस ओलंपिक में। उनका क्या नाम था इसके बारे में बात हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। अभी की जो मैच हुई है दोस्तों, जिस मैच में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये मैच तकरीबन 53 मिनट्स चली है। अगर आपने टीवी पर देखा होगा तो आप इसके विटनेस होंगे, राइट। और इस ओलंपिक में जो कि टोक्यो में हो रहे हैं, मीराबाई चिन्नू और लवलीना इसके पहले ही मेडल्स जीत चुके हैं। मीराबाई चिन्नू दोस्तों मेडल जीत चुकी है और लवलीना ने अपना मेडल सिक्योर कर लिया है। अब ये मेडल जीत कर ही टोक्यो ओलंपिक से आएंगी बॉक्सिंग में, ये कन्फर्म हो चुका है, राइट। अब देखिए 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था, यहाँ पर स्पेन की कैरोलिना मार्लिन के साथ इनका गोल्ड मेडल के लिए मैच हुआ था, बट दोस्तों ये मैच हार गई थी। इस मैच में इन्हें हार देखने को मिली थी, बट फिर भी सिल्वर मेडल इनके नाम हो गया था। अब रियो ओलंपिक में मैच हारने के बाद अगर हम पीवी सिंधु का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस रहा है। देखिए दोस्तों ये टॉप रैंकिंग होती है, ये टॉप रैंकिंग पर तो नहीं जा पाई, पर फिर भी जो ऑल ओवर जो टूर्नामेंट्स होते हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए, लास्ट 5 ईयर में जो कुछ टूर्नामेंट हुए हैं, इन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, और फिलहाल ये रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन है बिकॉज 2019 में 2019 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अगर हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें तो बैडमिंटन में, बिकॉज 2020 की जो स्पर्धा थी ये हो नहीं पाई कोविड की वजह से। इस वजह से टेक्निकली अगर हम कहें तो फिलहाल पीवी सिंधु रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियन है, राइट। और दोस्तों ये टाइटल इन्होंने 2019 में जीता था, 2017 और 2018 में ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं जीत पाई थी बिकॉज आगे इनके नाम पर जो बड़े रिकॉर्ड्स है इस पर हम बात करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि 2017 और 2018 में ऐसा ये करने में असमर्थ रही, फिर दोस्तों इन्होंने 2019 में ये कारनामा कर दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हो पीवी सिंधु के नाम कौन कौन से खिताब दर्ज है ओलंपिक गेम्स। दोस्तों 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज।
वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2013 में ब्रॉन्स, 2014 में ब्रॉन्स, 2017 में सिल्वर, 2018 में सिल्वर और 2019 में गोल्ड। तो यहाँ पर इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। बात करें अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो 2014 में दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और 2018 में सिल्वर जीता था। एशियन गेम्स में 2018 में ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड टूर होता है, इसमें एक बार ये गोल्ड और 4 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। BWF की जो सुपर सीरीज होती है, इस सुपर सीरीज़ में 3 गोल्ड और 4 सिल्वर्स इनके नाम पर है। BWF ग्रैंड प्रिक्स, यहाँ पर 6 गोल्ड और 3 सिल्वर दोस्तों पीवी सिंधु के नाम पर है, राइट। देखिए, हमने शुरुआत में कहा था कि पीवी सिंधु और सुशील कुमार के पहले भी एक एथलीट ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और 2 सिल्वर मेडल जीते थे। इनका नाम था नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचकार्ड। ये दोस्तों इनका एक दूसरा भी नाम है, या इनके स्टेज, एक एक्टर और एथलीट थे, इनके स्टेज नेम से भी इन्हें पहचाना जाता है, नॉर्मन ट्रेवर। ये दोस्तों फर्स्ट एशियन एथलीट्स थे जिन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे पेरिस ओलंपिक में, 900 में ये ओलंपिक हुए थे। तो इस ओलंपिक में इन्होंने दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और इनकी जो पैदाइश हुई थी या इनका जो जन्म हुआ था, ये इंडिया के कोलकाता सिटी, जो कोलकाता है दोस्तों, वहाँ पर हुआ था, राइट। फिर ये एक्टिंग करते हैं और ये बाहर जाते हैं, मतलब विदेश में जाकर ये रहे हैं। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस सुशील कुमार एंड पीवी सिंधु ऐसा करने वाली इंडियन एथलीट्स है, इंडियन प्लेयर है, और पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमन है, राइट। तो पीवी सिंधु ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा लिया है दोस्तों, या लिखवा लिया है हम ऐसा कहेंगे, इतना अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया है और कंसिस्टेंट इनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप इनकी मेडल टैली देखते हो प्रीवियस ईयर्स की, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।